गाइस, हमने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था टैक्स सेविंग के ऊपर, सेक्शन 80C के ऊपर, जिसमें दो रिटायरमेंट स्कीम्स की बात हुई थी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि NPS लें या PPF। तो चलो डिस्कस करते हैं किसमें कितना फायदा है और कितना नुकसान, और आपके लिए क्या रहेगा बेहतर। सबसे पहले NPS और PPF है क्या? NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये दोनों ही गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और आपके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग की। तो PPF और NPS दोनों के थ्रू ही आप अपने टैक्सेस में डिडक्शंस पा सकते हो। PPF की बात करें तो सेक्शन 80C के अंडर आपके पास टोटल लिमिट होती है 1.5 लाख रुपीज, उसी के अंदर आप PPF की इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप एडिशनल क्लेम करना चाहते हो, मतलब मान लो आपने किसी और इंस्ट्रूमेंट वगैरह में ऑलरेडी 1.5 लाख पूरे कर लिए हैं और आप चाहते हो आपको रिटायरमेंट स्कीम से कुछ और एडिशनल बेनिफिट भी मिले, तो जो NPS है ना, उसमें क्या होता है, जो 1.5 लाख आपका सेक्शन 80C के अंडर है, उसके अलावा एडिशनल 50,000 का प्रोविजन मिलता है अंडर सेक्शन CCD। तो इस पे हमने डिटेल्स में बात की थी सेक्शन 80C वाले वीडियो पे, लेकिन आप चाहो तो ये कंसिडर कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी 1.5 लाख पूरा हो चुका है। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे कंसिडर मत करना, आगे के सारे फैक्टर्स ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब इन दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना फायदा होने वाला है, आपके पास कितने एडिशनल पैसे आने वाले हैं। तो PPF की बात करें तो पहली चीज, PPF में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है और हमेशा 7-8% के बीच में रहता है। यूजुअली करेंटली 7.1% का रेट चल रहा है, मतलब आप जो भी इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको 7.1% पर एनम के हिसाब से आपको ओवरऑल अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब हम NPS की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली PPF से बेटर ही रहता है, क्योंकि ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है इन जनरल। इस पर्टिकुलर केस में ना आप 8-10% के आसपास इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस ऑन रिटर्न, टैक्स ऑन PPF इज नॉट टैक्सेबल, वेयर एज ऑन NPS इट इज पार्शियली टैक्सेबल। अब बात करते हैं हम रिस्क की। तो PPF जैसे हमने बात किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड ही होता है एक तरीके से, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका रिस्क हो जाता है काफी लो। लेकिन NPS के केस में, ऑल्दो ये गवर्नमेंट स्कीम है ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटी यानी शेयर मार्केट, वहां पे भी इन्वेस्ट करता है। तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती है, अकॉर्डिंगली NPS के रिटर्न्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, यानी ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप बोल सकते हो मीडियम से हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं दोनों ही स्कीम के लॉक इन पीरियड की। तो PPF का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हो, विड्रॉल की बात हम आगे करेंगे। लेकिन NPS का जो लॉक इन पीरियड होता है ना, वो होता है 60 ईयर्स की एज, मतलब जब आप 60 ईयर्स के होगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप अभी कितने भी ईयर्स के हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी करंट एज और आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको PPF में इन्वेस्ट करना है या NPS में। देन अगर एक्सटेंशन की बात करें ना, तो ऑल्दो PPF आपको मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप उसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक्स में बढ़ा सकते हो, मतलब 15 की जगह 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ NPS उसकी एज लिमिट डिफाइंड है, तो आप 60 इयर्स की एज तक कर सकते हो, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो टिल एज ऑफ 70 इयर्स। तब तक आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी रख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली विड्रॉल 70 तक के लिए डेफर कर सकते हो। बात करेंगे प्री मेच्योर विड्रॉल की, मतलब पूरा आपका जो लॉक इन पीरियड है, जैसे PPF में 15 साल है, NPS में टिल एज ऑफ 60 इयर्स है, वो पूरा होने से पहले पहले अगर आपका मन करे स्कीम बंद करने का, तो क्या आप कर सकते हो। बेसिकली PPF में आपको कम से कम 5 साल तो पूरे करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है, मतलब मान लो इन्वेस्टर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या उसे किसी फैमिली मेंबर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, या फिर परमानेंटली वो इंडिया छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, उन पर्टिकुलर केसेस में कंसिडर कर लिया जाता है और आपको 5 साल के बाद ही
एग्जिट मिल जाता है फ्रॉम पीपीएफ। इन केस ऑफ एनपीएस आपको कम से कम 10 साल तो पूरे करने ही करने हैं, उसके बाद ही आप प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हो। लेकिन उस एग्जिट के टाइम पे भी ना आप सारा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मतलब सारा पैसा निकाल नहीं सकते हो। जितना भी पैसा होगा उसमें से 80% तो आपका एन्युइटी की तरह ही आएगा, मतलब बाद में एज अ पेंशन ही आएगा, बाकी अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। अब विड्रॉल फैसिलिटीज की बात करें तो पीपीएफ में आप फुल विड्रॉल कर सकते हो आपके 15 साल पूरे होने के बाद। एनपीएस के केस में ना अगेन, अगर जब आप 60 ईयर से हो जाओगे तभी भी सारा का सारा एक बार में सारा का सारा पैसा एज लमसम नहीं विड्रॉ कर सकते, सिर्फ 60% तक ही कर सकते हो, बाकी 40% एन्युइटी में ही इन्वेस्टेड रहेगा, मतलब यू विल गेट एज एन्युइटी लेटर ऑन मंथ बाय मंथ। बट अगर आपका जो टोटल पेंशन का अमाउंट है ना वो 2 लाख से कम है तो आप सारा का सारा भी विड्रॉ कर सकते हो। पीपीएफ में आप फुल विड्रॉल कर सकते हो आपके 15 साल पूरे होने के बाद। लेकिन अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है ना, मतलब कुछ पार्ट विड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको फैसिलिटी मिल जाएगी 6th ईयर ऑनवर्ड्स, तो आप पार्शियली उस टाइम पे विड्रॉ करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्म सी भरना होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपको विड्रॉल प्रोसेस पे भी एक वीडियो बना के दूं, लेट मी नो इन द कमेंट। अब अगर आपको एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल करना है, मतलब थोड़ा सा विड्रॉ करना है जब तक स्कीम पूरी एंड नहीं हुई है उससे पहले ही, तो कम से कम 10 साल तो आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। उसके बाद भी सिर्फ आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, जो आपने खुद इन्वेस्ट किया है, एम्प्लॉयर ने नहीं, उसका 25% ही विड्रॉ कर सकते हो, रिमेनिंग विल स्टे इन द स्कीम। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहते हो, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, और सारे फैक्टर्स मिलाकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा रिटायरमेंट प्लान बेटर होगा, पीपीएफ, एनपीएस, या फिर आप कोई और स्कीम में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।